ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर लोग बैठे बैठे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इसीलिए तो ऑफिस को चुना जाता है। लेकिन ऑफिस में अगर आपका नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जो बिना किसी शिकायत के 8-9 घंटे ऑफिस की कुर्सी से चिपक कर काम करते रहते हैं, तो आपको बता दें कि अपनी ये आदत तुरंत बदल डालें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी ये आदत आपकी सेहत की दुश्मन बन सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में हुई एक रिसर्च कहती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको ऑफिस में काम करने से रोक रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि आप ऑफिस जाकर काम ना करें। आपको बता दें कि ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के ऊपर किए गए इस शोध की माने तो लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहने से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। इस शोध में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से दिमाग के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा दिमाग की सेहत बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को हर आधे घंटे में 2 मिनट के लिए जरूर उठकर टहलना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से होने पर ब्रेन व्यक्ति को चीज़ों की पहचान करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, दिमाग की कोशिकाओं की ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता भी ब्लड सर्कुलेशन से ही पूरी होती है। लेकिन लंबे समय तक एक जगह पर टिककर बैठे रहने से ये पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य पर हुए इस शोध में पता चला है कि दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी सी भी रुकावट आने पर सोचने समझने की क्षमता और मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है, जबकि लंबे समय तक ब्लड सर्कुलेशन रुकने पर दिमाग से जुड़ी कई बड़ी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं, जिनमें डिमेंशिया और मेमोरी लॉस शामिल है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। इनमें सबसे ज़्यादा असर हमारे पैरों पर पड़ता है। एक ही स्थिति में बैठे रहने से पैरों में अपंगता तक आ सकती है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।